उनको माकूल मुआवजा मिलने का पूरा हक है, मैं इसकी तायीद करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ की निशानदेही करना चाहती हूँ और वो है ज़िम्मेदारी। अगर आपका हक पूरा हो रहा है तो आप पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है। एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करती, एंटरटेनमेंट एक ज़रिया है जिसके तहत आप ऐसी बातें कर सकते हैं जो शायद आप और मैं अपने ड्राइंग रूम में भी बैठकर ना करें। अभी आपने कश्फ का एक पूरी तारीख देखी कि जब से इन्होंने सीरियल शुरू किए हैं कैसे कैसे मौजूआत पर इन्होंने ड्रामे तश्कील किए हैं। मैं कश्फ को मुबारकबाद देती हूँ तहे दिल से। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा अच्छा काम शायद ही किसी चैनल ने किया हो जो कश्फ ने अपने सीरियल्स में किया है। काम और इतना फैला हुआ काम, समेटा हुआ काम, विजनरी काम, ये सिर्फ और सिर्फ एक खातून ही कर सकती है और वो है रोशाने ज़फ़र। मैं समझती हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना किसी किसी का काम है, ये हर शख्स ना तो समझ सकता है और न ही उसको उसके बारे में कुछ इल्म है। ये काफ़ी नहीं होता कि आपने किसी स्कूल में या कॉलेज में कोई चीज़ डोनेट कर दी, बात सारी ये है जहन तब्दील करना, और ये हमारा सबसे बड़ा और पहला कदम होगा अगर हम अपना जहन तब्दील कर सकें तो। इतना कुछ आजकल हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में, मुसलमानों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को एक इंसान की तरह समझ लें तो बहुत से हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। न कि सिर्फ मज़हब के नज़रिए से देखा जाए या नेशनैलिटी या एथनिसिटी के हवाले से देखा जाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मायने अगर कोई पाकिस्तान में इस वक्त समझता है तो वो कश्फ फाउंडेशन है, क्योंकि ज़हनियत बदलना ही काम है जो हम सबको अपनाना चाहिए। अगर कश्फ अपने सीरियल्स के थ्रू कर रहा है तो आप अपने घर में बैठकर अपने लोगों के साथ बातचीत करके इन ड्रामों के बारे में अपना और अपने बच्चों का जहन तब्दील कीजिए। सच ढूंढिए, सच बोलिए, सच पेश कीजिए, क्योंकि यही हमारा ईमान है और यही हमारा चैलेंज भी है। मैं समझती हूँ कि मैंने उस वक्त टेलीविज़न ज्वाइन किया था जब टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन कहानियाँ सिनेमास्कोप और टेक्निकलर हुआ करती थी। आज उलट है, टेलीविज़न कलरफुल तो हो गया लेकिन कहानियाँ उसकी घिसी पिटी ब्लैक एंड वाइट।